से लाया ना, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है और रात से ना मेरी नाक से पानी भी आ रहा है। टायर में पंचर हो गया और पूरी तरह से हवा निकल चुकी थी और फटा भी इतनी दूर था कि मैं घर से लगभग लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर था। निकालने के लिए टायर निकालने के लिए होता तो। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड अभी मॉर्निंग के बजे 11 एंड जस्ट अभी भी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं एंड आज देखते हैं आज कहाँ जाना है, कहाँ निकलना है। तो आज सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और बाहर निकलते हैं, घूमते हैं कहीं आज। तो चलते हैं, देखते हैं आज कहाँ जाना है। नज़ारे भैया खा लेते हैं गर्मा गर्म छोले भटूरे। अभी ना बाइक में पंचर हो गया तो पंचर जुड़वा लेते हैं पहले। बाइक में हो गया पंचर, हालत ख़राब हो चुकी है, सिर में हो रहा बहुत तेज दर्द और भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। धूप भी ना आज काफ़ी तेज़ हो रही है, बट ना धीरे धीरे हवा चल रही है जिससे कि पता नहीं चल रहा था धूप का, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ धूप लग रही है। सिर में दर्द हो गया है बहुत तेज़ से, तो पहले पंचर जुड़वा लेता हूँ एंड फिर जा रहा हूँ अभी घर। ले वाले टायर में पंचर हो गया और पूरी तरह से हवा निकल चुकी थी और फटा भी इतनी दूर था कि मैं घर से लगभग लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर था कि फिर मैं उसको पैदल खींच के लाया। कम से कम 3 किलोमीटर रात में पैदल खींच के लाया। और कल ना टेम्परेचर भी इतना हाई हो रहा था, सुबह से जब से उठा था ना, जब से इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी कल और पूरा दिन पसीना नहीं था। उसके बाद टायर ही चेंज कराया था। टायर चेंज कराने का बेनिफिट ये होगा कि मेरे को ना फिर से ना ये जो प्रॉब्लम रात मेरे को फेस करनी पड़ी, ये मेरे को प्रॉब्लम फिर से फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले चलते हैं, टायर चेंज कराते हैं आज। तो चलो जल्दी निकलते हैं। अभी ना शोरूम तो पहुँच चुका हूँ टायर डलवाने के लिए, बट इसका टायर जो ना ये वाला पूरा ख़राब हो चुका था, पिछला पूरा टायर बर्बाद हो चुका है, पूरा टायर डैमेज हो गया था। पूरी रात मैं इसको कैसे खींच के लाया हूँ मुझे पता है। दूसरा ना अभी ना घर के पास नहीं है ये, लेकिन मैं इसको खींच के लाया ना, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है और रात से ना मेरी नाक से पानी भी आ रहा है थोड़ा सा। मुझे लग रहा है दुकान नज़ला भी हो गया है, नज़ला क्यों हो गया है क्योंकि उसके कल ना गर्मी उड़ती है और गर्मी में मैंने कई बार ठंडा पानी पी लिया जिसकी वजह से मुझे लगता है, और रात में कूलर में भी सोया था जिसकी वजह से मुझे लगता है मेरी नाक से पानी आ रहा है और आवाज़ भी चेंज हो गई है जिसकी उसकी वजह से। तो मैं शोरूम पर आगे देखते हैं, टायर देखते हैं पहले। ट्यूबलेस ही डलवा लेता हूँ ना, ट्यूबलेस से ही रहता ना, है ना। अगर ट्यूबलेस अगर डलेगा तो एक बार चेक कर लो आप भाई। इसमें ना ट्यूब वाला टायर डला हुआ था तो मैं सोच रहा हूँ इस बार ट्यूबलेस डलवा लेता हूँ। ट्यूबलेस का बेनिफिट ये होगा कि उसमें ना पंचर हो भी जाता है, थोड़ी दूर चल जाती है, बट ट्यूबलेस में ट्यूब वाले में क्या होता है कि अगर ये एक बार गया तो पूरी हवा निकल जाती है। वही सीन मेरे साथ रात हुआ था, तो पहले भी इसमें डलवा लेते हैं। घिसाई होगी क्यों, रिम में जंग लग पड़ा है। टायर निकालने के लिए टायर निकालने के लिए होता कर रहे हैं रिम की सफाई, क्योंकि ट्यूब वाली रिम थी ना, ट्यूबलेस बनाना है तो उसके लिए ना सफाई करनी पड़ेगी। तो भैया कर रहे हैं इधर सफाई, मशीन के अंदर लगा दिया है एंड घुमा रहे हैं इसको। फिलहाल डल चुका है अपना टायर, भैया चेक कर रहे हैं कहीं से हवा तो नहीं निकल रही है ना। नोजिल भी चेक कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, वाल बोलते हैं, नोजिल नल की। फिलहाल टायर तो डल गया है, इसमें टायर तो डल गया नया एंड काफ़ी खर्चा हो गया गाइस आज, क्योंकि बाद में करते खर्चे की बात, पहले यहाँ से निकलते। घर में आज भी काफ़ी है और टायर तो डल गया है, अभी चलते हैं घर पे। जाना है मेरे को
बच्चे पार्किंग के लिए निकलते जल्दी से। एंड इधर ना गाइस देखो कितने बच्चे खेल रहे पार्क में। अभी ना मौसम तो सही हो गया है, बारिश का मौसम हो गया है, क्योंकि कल से ना बहुत ज़्यादा धूप हो रही है एंड बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। कल से पसीना नहीं छूटा मेरा, कल से पसीने में पसीना आ रहा है, तो काफ़ी गर्मी थी। तो अभी मौसम थोड़ा ठीक हो गया, ठंडा हो गया, थोड़ा बादल भी हो रहे हैं इस साइड में, अभी देखते हैं बारिश होती है नहीं होती है। तो फाइनली वीडियो एडिट हो गई है और आपको मिल जाएगी मॉर्निंग में। तो इस वीडियो कर देते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं जल्दी से आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके जाना है चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।